अगर आज बिजनेस की बात करें तो महंगे ATF और घटते मुनाफे से जमी पर आती एयरलाइंस को लेकर उड्डयन मंत्री ने चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने किराए कम करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि ATF पर बिक्री कर घटाया जाएगा। कभी मंदी से घटता मुनाफा तो कभी महंगे ATF की मार, कमोबेश तमाम एयरलाइंस इसी दौर से गुजर रही हैं। लेकिन एयर इंडिया के 16,000 करोड़ के कर्ज ने सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है। सरकार को फिलहाल पूंजी निवेश ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। साथ ही सरकार ATF पर बिक्री कर घटाने पर भी for which we are moving the cabinet very shortly and we reduce the high cost debt to a low cost debt by way of giving some kind of a letter of comfort to the banks so that we are able to draw the money at a lower cost of interest. mana ja raha hai ki air india ke mamle mein sarkar GOM banayegi aur bankon se madad bhi legi. wahin dusre airlines is baat ki aas lagaye फीसदी का बिक्री कर घटाकर 4% कर दिया जाए, यानी लागत कम और मुनाफा आसमान पर। सौरभ श्रीवास्तव के साथ नितेश सिन्हा, आजाद न्यूज। जी हां, और दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर खत्म होने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। एक तरफ फेड रिजर्व ने आस जताई है तो दूसरी ओर RBI भी दरों में बदलाव ना लाकर विकास को बढ़ाना चाहती है। अमेरिका से शुरू हुई ग्लोबल मंदी अब खत्म होने को है और इसका संकेत खुद फेड बेन बर्नानके ने दे दिया है। बर्नानके की माने तो पिछले 7 दशकों में सबसे बड़ी इस मंदी के जल्द खत्म होने की संभावना है और इसके पीछे अमेरिकी रियल एस्टेट में आंकड़ों की बढ़ती रफ्तार। वैसे भी भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने मंदी से मुकाबला किया है, लेकिन अब तमाम अर्थव्यवस्थाएं सुधरने लगी हैं। कहीं विकास दर बढ़ी है तो के आंकड़ों ने चौका मारा है, तो कहीं सर्विस सेक्टर ने जान फूंक दी है। भारत की बात करें तो सूखे के बावजूद इंडस्ट्रियल ग्रोथ का ग्राफ ऊपर जाता दिखा है। निवेश के हालात तो बेहतर हुए ही हैं, सोने की चमक ने भी कारोबारी मजबूती दी है। गोल्ड ETF हो या फिर डॉलर के मुकाबले रुपए की छलांग, जानकारों का यही मानना है कि अमेरिकी इकॉनमी के लिए बेहतर साबित होगी और ये तेजी साल 2010 तक तमाम इकॉनमी की रफ्तार बढ़ा देगी। यही वजह है कि RBI ने भी घरेलू स्तर पर दरों में कोई बदलाव से इनकार कर दिया है, क्योंकि देश की जरूरत फिलहाल लिक्विडिटी मेंटेन करते हुए मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने की है, ना कि दूसरी इकॉनमी बढ़त। सौरभ दुबे के साथ नितेश सिन्हा, आजाद न्यूज। जी हाँ, और अब बात करते हैं रफ्तार की। स्पोर्ट्स सुपर बाइक्स के शौकीनों के लिए यामाहा ने एक नायाब तोहफा पेश किया है। यामाहा के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम ने बुधवार को दिल्ली में नई सुपर बाइक VMAX को लॉन्च किया। फास्ट लाइफ के दीवानों के लिए रोमांच का नया मॉडल बाजार में आया है। यामाहा ने रफ्तार और रोमांच ताल्लुक वाली एक सुपर बाइक बाजार में उतारी है। आज राजधानी दिल्ली में यामाहा ने 679 VMAX लॉन्च की। यामाहा की इस बाइक को लॉन्च किया बॉलीवुड के जाने माने सितारे और यामाहा के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम ने। बाइक से जॉन ज्यादा लगाव है और बाइक पर कोई खरोच ना आए इसीलिए पिछली सीट पर बिपाशा को भी नहीं बैठने देते। जॉन की जो पर्सनालिटी है और यामाहा की जो पर्सनालिटी है, दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच होती है, क्योंकि जॉन जो है वो एक स्टाइल और यूथ ओरिएंटेड और यामाहा की बाइक हमारे जो माधवन साहब हैं, शाहिद कपूर जी हैं और भी बहुत सारे। बात अगर फीचर्स की करें तो VMAX 1679 cc लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक DOHC 65° V4 इंजन, जो 0 से 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये बाइक सिर्फ 2.6 सेकंड में अचीव कर लेती है। लेकिन अगर आपको ये सब फीचर्स चाहिए तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 20 लाख रुपए। जी हाँ, 20 लाख रुपए।
अब ये देखना होगा कि जॉन के फैंस को ये बाइक कितना लुभा पाती है। ये एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि यामाहा ने लॉन्च किया 1679 सीसी की बाइक वीमैक्स। 25 बाइक टारगेट है इनका एक साल में बेचने का। इस बाइक की पॉपुलैरिटी इतनी कि लॉन्च के साथ ही 8 कैमरा पर्सन चेतन के साथ अमित आनंद, आजाद न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, यानी कि इस बाइक के लिए, इस रफ्तार के लिए आपको 20 लाख रुपए तक चुकाने पड़ेंगे। और अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। बुधवार का दिन शेयर मार्केट के लिए कमाल का रहा। सुबह अच्छी बढ़त के साथ खुले दोनों सूचकांक साल की नई ऊंचाई पर बंद हुए। हालांकि बीएसई पर ऑयल एंड गैस सेक्टर ने दबाव बनाया, लेकिन दूसरे सभी इंडेक्स मजबूत रहे। चौतरफा खरीदारी और यूरोपियन क्यूज ने घरेलू शेयर मार्केट की रफ्तार बढ़ा दी। बीएसई का सेंसेक्स जहां 225 अंकों की उछाल के साथ साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने 5000 के आंकड़ों से करीबी। पिछले सत्र में अमेरिकी डाउ जोन्स और नैसडैक की मजबूती के साथ आज की यूरोपियन बढ़त ने सेंटीमेंट पॉजिटिव कर दिए, जिसके बाद एफआईआईज और लोकल ट्रेडर्स ने लिवाली तेज कर दी। हालांकि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत $70 प्रति बैरल के पार जाने से ऑयल एंड गैस सेक्टर से और गेल के अलावा बीपीसीएल के शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली। में रिलायंस के शेयर्स ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में जोरदार लिवाली ने भी नहीं होने दी। फेड रिजर्व के प्रमुख बेन बर्नानके का ये कहना कि अमेरिकी इकॉनमी मंदी से बाहर होने के करीब है, विदेशी निवेशकों ने खरीदारी शुरू कर दी। जानकारों की माने तो घरेलू स्तर पर मार्केट की रफ्तार बढ़ाने के लिए काफी है, और अगर विदेशी रैली भी मजबूत मिली तो इस हफ्ते सूचकांकों की छलांग और भी ऊंची हो सकती है। नितेश सिन्हा, आजाद न्यूज। आधुनिकता के दौर में तकनीकी शिक्षा किसी भी राज्य के विकास का अहम पहलू है। हरियाणा की हुड्डा सरकार ने इसे बखूबी समझा और राज्य में तकनीकी संस्थानों के साथ साथ दूसरे कॉलेजों की भी स्थापना की। ग्लोबलाइजेशन के बाद अवसर पैदा हुए, लेकिन नौकरियों में उन्हीं को वरीयता मिली जो तकनीकी शिक्षा में पारंगत हों। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की हुड्डा सरकार ने इस क्षेत्र किया। अगर तुलना की जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल के पहले 40 सालों में उतना काम नहीं हुआ जितना हुड्डा सरकार ने कर दिखाया। पिछले 40 सालों में राज्य में 257 तकनीकी संस्थानों की स्थापना हुई और इन सालों के दौरान तकनीकी संस्थानों में प्रवेश की सीटें लगभग 40,000 तक पहुंच गईं। वहीं हुड्डा सरकार ने पिछले 4 सालों के दौरान 253 संस्थान स्थापित किए और इन सालों में सीटों की संख्या तकरीबन 78,000 की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। इनमें से 78 इंजीनियरिंग कॉलेज, 61 MBA कॉलेज, 16 MCA कॉलेज, 17 BPharma कॉलेज और 85 IIT जैसे संस्थान शामिल हैं। यही नहीं, पिछले 40 सालों में प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों की 40 तक पहुंच गई और इन संस्थाओं में केवल 7,000 बच्चों के पढ़ने की सुविधा थी। वहीं हुड्डा सरकार के पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड 95 नई पॉलिटेक्निक संस्थाएं खोली गईं, जबकि लगभग छात्रों को प्रवेश की सुविधा मुहैया कराई गई। उद्योगों को उनकी जरूरत के मुताबिक स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी राज्य सरकार खासी गंभीर रही। हुड्डा सरकार के इन्हीं गंभीर कोशिशों से आज तकनीकी शिक्षा के माध्यम से नौजवानों को रोजगार के अधिक अवसर मिल रहे हैं। कहा जा सकता है कि हुड्डा सरकार ने पिछले 4 सालों में इस क्षेत्र में सराहनीय काम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद। जी हाँ, तो बिजनेस की खबरों में फिलहाल इतना ही।